हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुक विद प्रगति विश्वा। और मैं हूँ प्रगति विश्वा। आज बनाएंगे बच्चों से लेकर बड़ों तक सबका फेवरेट स्नैक। जी हाँ, मैं बनाने वाली हूँ बटरफ्लाई बोस। तो चलिए बनाते हैं अपना टेस्टी बटरफ्लाई बोस। तो आज की रेसिपी के लिए मैं ले रही हूँ 1 कप मैदा और गेहूँ के आटे का मिक्स। सबसे पहले अब इसमें हम डालेंगे 1/4 टीस्पून अजवाइन और 1/2 टीस्पून डालेंगे हम नमक। इसके बाद इसमें हम डालेंगे इसे मिक्स करने के बाद इसमें डालूंगी मैं 1/4 कप ऑयल, धीरे धीरे करके। ऑयल डाल के हमें अपने डो का टेक्सचर ऐसे चाहिए कि हम ऐसे मुट्ठी बांधें तो ये अच्छे से बन जाए। अब हम इसमें धीरे धीरे पानी ऐड करके इसे एक सॉफ्ट डो प्रिपेयर करें। तो 1/4 कप पानी ऐड करके मैंने इस डो को प्रिपेयर किया है। आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है और बहुत हार्ड भी नहीं है, ये मीडियम सॉफ्ट डो है। तो चलिए इसे रेस्ट देते हैं थोड़ी देर, कम करीब 15 मिनट के लिए, फिर बनाएंगे। सबसे पहले एक लोई लेकर इसे प्लेटफॉर्म पर रखेंगे, प्रेस करेंगे और इसे रोल कर लेंगे। तो हमने अपने डो को रोल कर लिया है। आप इसे जितना पतला बेल सकते हैं उतना बेलिए। उसके बाद एक चाकू लेके इसको साइड से ट्रिम करेंगे। इसके बाद हमारा ये कट गया। अब इसे उठाकर मैं इसे सेंटर से प्रेस करूंगी। आप देख सकते हैं सेंटर से प्रेस किया। और हमारे ये रेडी हैं। चलिए इन्हें फ्राई करते हैं। तो हमने ऑयल गरम कर लिया है। अब धीरे धीरे अपने इन बोस को हम इसमें डालेंगे। और इसे लो फ्लेम पर कुक करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। तो आप देख सकते हैं हमारे जो बोस हैं वो अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर के आ गए। तो इतना ही गोल्डन ब्राउन कलर हम रखेंगे और बाकी भी तल लेते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारे बोज रेडी हैं। ये मैंने दो साइज़ में बनाए हैं, एक बड़ा साइज़ और एक ये छोटा सा क्यूट साइज़। एक्चुअली बच्चों को छोटे साइज़ बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने ये छोटा साइज़ भी बनाया। आपको जो भी साइज़ पसंद आए आप उसे बना सकते हैं। तो इसे इंजॉय करें टी कॉफ़ी के साथ। ये सॉसेस और चटनी के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो आज ही बनाएं अपने घर पर, सर्व करें बहुत प्यार से।